Assalamualaikum viewers, मैं हूँ आविज़ा और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन पॉकेट। ये बहुत मज़े की रेसिपी है, आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने जा रही हूँ। चले आए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन ब्रेड पॉकेट के लिए हमने लिए हैं ब्रेड स्लाइस 2, अदर टमाटर 1 इसे मैंने चॉप कर लिया है, कैप्सिकम इसे मैंने लंबी स्लाइस के अंदर चॉप कर लिया है, ऑनियन 1 इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, हाफ कप टमाटो सॉस और बॉइल्ड चिकन जिसे मैंने नमक के साथ जो है बॉइल कर लिया है। अब हम इन सब इंग्रेडिएंट्स को पहले सौते करेंगे, देन फिलिंग। फ्रेंड्स, हमने पैन ले लिया, फैन की जो आँच है वो मीडियम पर है, अच्छे से गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर सबसे पहले ऑनियन ऐड करेंगे और इसे अच्छे से लाइट फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर बॉइल्ड चिकन ऐड करेंगे। टमाटर, कैप्सिकम अब इसके अंदर हम हल्की सी काली मिर्च जो है ऐड कर देंगे गैस के मुताबिक और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमने कुछ मिनट के लिए फ्राई किया। अब मैं इसके अंदर टमाटो सॉस ऐड करूँगी। अब इन सबको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, हमने अपनी स्टफिंग रेडी कर ली है, ठीक है। हमने इसे 5 मिनट्स के लिए रख दिया था ठंडे होने के लिए। अब हम लेंगे ब्रेड स्लाइस जिसके हम साइड कॉर्नर कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमें सब ब्रेड के जो है साइड कॉर्नर कटिंग कर लेने हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने दोनों स्लाइस ब्रेड के जो है साइड कॉर्नर कटिंग कर लिए हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, ब्रेड स्लाइस रेडी है, अब हम इसकी स्टफिंग करेंगे। सबसे पहले एक ब्रेड स्लाइस लेंगे, इसे इस तरीके से थोड़ा लंबा कर लेंगे, रोटी की तरह हमें इसे बेलना है इस तरह से। इसे भी इस तरीके से कर लेंगे। ये देखें, हमने इन्हें बेल लिया है, ठीक है। और स्लाइस को भी इसी तरीके से बेल लेंगे। फ्रेंड्स, हम इसके अंदर स्टफिंग ऐड करेंगे। सेंटर में रखनी है हमें। और इसके साइड कॉर्नर में जो है बॉटल लगाएंगे। इस तरीके से अब हम इसे फोल्ड करेंगे। फ्रेंड्स, ये रेडी है, अब इसी तरीके से हम सब जो है पॉकेट बना लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे सब पॉकेट जो है अब रेडी है, अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई को फ्लेम पर रख दी है और फ्लेम हाई पर है और इसमें मैंने ऑयल ऐड किया है। अब हम अच्छे से ऑयल को गर्म होने देंगे, इसके बाद हम इसमें पॉकेट फ्राई करेंगे। टेट करूँगी, इन्हें फ्राई करेंगे सिम फ्लेम पर। पॉकेट अच्छे से फ्राई हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इनका। फ्रेंड्स, हमारे पॉकेट रेडी हैं, अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे। आप देख सकते हैं इनका कलर कितना अच्छा है, अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे।
फ्रेंड्स चिकन पॉकेट रेडी हैं। मैं इन्हें केचप के साथ सर्व कर रही हूँ, आप इन्हें और भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।